तो हेलो गाइस, आज है 18th ऑफ नवंबर 2023 और आज फिर से आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीरीज को लेके। तो चलिए पहले हेडलाइंस को देख लेते हैं, फिर नरेशन पार्ट पे चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो है आपका वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है आपका कॉन्स्टेंटीन जोसेफ बीची के बारे में, और क्वेश्चन थ्री जो है वो आपका निकल के आ रहा है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं, तो है लियोनार्ड मैटियोर शावर की तरफ है, और क्वेश्चन नंबर फाइव आपका कह रहा है एक्सरसाइज मित्र शक्ति। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अवन गार्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेवन जो है वो बात कर रहा है वैस्प 107B के ऊपर। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ देखें तो वो साइंस से निकल के आ रही है, वो है सिकल सेल डिजीज। क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ बढ़े तो ये है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के ऊपर, जिसको सर्ट इन भी कहते हैं, और जो आज का आखिरी क्वेश्चन है वो है आर्गोलैंड के ऊपर। तो ये था हमारा क्वेश्चंस और उसके हेडलाइंस। अब चलते हैं हम लोग नरेशन पार्ट की तरफ। क्वेश्चन पहला है वो है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर। ओके, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, टू मेजर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्रीज, टू एक्सेस द गवर्नेंस परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री। बिल्कुल, जो गवर्नमेंट्स, जो एक पर्टिकुलर कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है उसका क्या परफॉर्मेंस हो रहा है। ओके, जैसे सिबिल क्या करती है, सिबिल जैसे आपको क्रेडिट कार्ड लेना है या लोन लेना है, तो सिबिल जो है आपका अभी तक में कितना बार आपने लोन लिया है, टाइम पे रिपे किया है नहीं किया है, आपका परफॉर्मेंस कितना है, सैलरी कितनी मिलती है, आप कितने लोन लेके चुका सकते हो, सिबिल का यही काम होता है। तो वैसे ही जो वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर होता है उसका ये काम होता है कि कंट्री पे नज़र रखे, उसका रिपोर्ट क्या है, साल भर में उसने कैसा काम किया है नहीं किया है, ये सारा का सारा जो है वो वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर काम करती है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है टू एक्सेस द गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब न्यूज़ में क्यों आई है वो देख लो, क्योंकि अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया ने कॉन्सर्न रेज किया है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर जो है इसके रेटिंग असेसमेंट पे, अब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उस पर एक्चुअली सवाल उठाना चाह रहे हैं, स्पेशली जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, मतलब जो राइज करे, जैसे इंडिया है ये अभी इमर्जिंग इकोनॉमी है। ओके, तो इंडिया को जो इमर्जिंग इकोनॉमी है तो ये लोग अगर रेटिंग ख़राब देंगे तो क्या होगा, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। ओके, पर बात ये है कि रिलीज़ कौन करता है ये डेटा को, तो ये डेटा जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है रिलीज़ होता है, ये याद रखना हमेशा। ओके, चलो अब थोड़ा सा इसका डिटेल और हम लोग देख लें। वर्ल्ड बैंक देख लो, यही है आपका वर्ल्ड बैंक। अब थोड़ा सा जो डिटेल है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। डेटा तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है, दूसरी कि 215 कंट्री जो है इसके टेरिटरीज में आते हैं, मतलब 215 कंट्री प्लस जो कुछ टेरिटरीज हैं वो सारे के सारे इसके मेंबर हैं। सिक्स डायमेंशन पे ये काम करती है। पहला जो है ये है वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, दूसरा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस, जितना कम वायलेंस होगा, जैसे अभी मणिपुर का वायलेंस था। ओके, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ तो बात है, अगर जितना कम वायलेंस होगा उतना अच्छा रेटिंग मिलती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब सरकार अगर 5 साल की टर्म के लिए बन के आई हो, 5 साल चले, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तीसरा, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, गवर्नमेंट कितने अच्छे से काम करे, जैसे अभी ये रूलिंग गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि इसने 10 सालों में इंडिया को जो है 100 टाइम्स ऊपर लेके गए, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आई है। उसके बाद क्या है, रेगुलेटरी क्वालिटी। ओके, आपका जो आप जो रेगुलेट कर रहे हो कंट्री को, तो इसमें क्वालिटी क्या है, आपसे सब खुश हैं या नहीं है, रूल ऑफ लॉ, आप सारे रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हो, ये नहीं कि मनमानी जो डिक्टेटरशिप हो गई वो नहीं, या फिर कंट्रोल ऑफ करप्शन, आपने करप्शन पे कितना ध्यान दिया है, आपके राज में कितना करप्शन कम हुआ है, तो ये सब अच्छे अच्छे पैरामीटर्स हैं। इसीलिए इंडिया ने अभी रेस किया है कि भाई आप जो निकालोगे उस पे भाई बढ़िया से जो है हमें रेटिंग देने के लिए आपको सारे के सारे चीज़ों को अच्छे से, वो कहते हैं ना, जांच पड़क करना चाहिए, वरना थोड़ा सा भी भेदभाव तो इससे ये एक प्रॉब्लम ये होगी कि जो है इंडिया का रेटिंग खराब हो सकता है। ओके, अब कहा जा रहा है कि वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर जो है, वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर, ये डेवलप तो हुई थी 1999 में दो एक्चुअली एजेंसीज के द्वारा, वर्ल्ड बैंक रिसर्चर्स और दूसरा डैनियल खॉफमैन्स एंड आर्ट क्रेरे। ओके, और उसके बाद सितंबर में डेटा जो है हर साल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टेंटिन जोसेफ बेश्ची। ओके, और ये किस फील्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग न्यूज़ में क्यों आई है। ओके,
इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, मिशनरी एंड तमिल स्कॉलर थे ये कौन? तो कॉन्स्टेंटीन जोसेफ बेशी। जनरली कॉन्स्टेंटीन वो बनता है जो कहते हैं ना, जो मतलब कैथोलिक होता है और साथ में भूतों को भगाने का काम करता है, उसे कॉन्स्टेंटीन कहा जाता है। ओके, अब बात करें तो 1700 के आसपास में जो है ये इंडिया आए थे। ओके, और दूसरा कि इंडिया आने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने मतलब इंडिया के बारे में जाना, तो पहले तो ये कैथलिक ही थे, लेकिन इंडिया में आने के बाद जो है इनका हृदय परिवर्तन हो गया, बाद में ये तमिल स्कॉलर भी बन गए और मिशनरी भी थे, तो दोनों काम को इक्वली जो है ये चला रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि ये सन्यासी भी थे। ओके चलिए, तो थोड़ा सा देख ले न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ कॉन्स्टेंटीन जोसेफ बेश्ची इन तमिल रिटन बाय ए मुथुस्वामी पिल्लई, और वो रिलीज हो चुकी है। तो ये एक्चुअली बात 400 साल से ज़्यादा की है, तो इसीलिए आप इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हो। ओके, अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लें। देखो, ये इटालियन ज्यूस्ट मिशनरी के थे और तमिल के अच्छे स्कॉलर थे ये। ओके, और दूसरा कि इन्हें वीरा माओ मुवीनियार के नाम से भी ज्यादा नाम था, मैं यहाँ लिखा ही होगा। 1700 में ये गोवा में इनका इन्होंने पहली बार पैर रखी थी। थोड़ी सी धुंधली इमेज आई है, बट यही है गोवा का ये इमेज जहाँ पे इन्होंने अपना कदम रखा था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि 1700 के टाइम में अगर आपसे मैं पूछूं मिडाइवल में कौन किंग था, या सुल्तान था, या मुगल एम्परर था, तो आप मुझे बताओगे, और उसका कॉन्टेम्प्रेरी कौन था मराठा में, ये भी आपको बताना। ये दोनों आपका होमवर्क है जो कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। कोशिश करो गूगल का मदद ना लें तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, तो इन्हें क्या कहा जाता था? वीरा ममुनीवार। ओके, इस नाम से भी इन्हें ज़्यादा जाता था, और ये तमिल वर्ड है। और संस्कृत तेलुगु तमिल जो है इन्होंने मास्टरी कर ली थी, उसमें स्पेशली तमिल में तो ज़बरदस्त नॉलेज कर लिया था इन्होंने। अब इनके कुछ वर्क्स भी थे और इन्होंने प्रवचन बहुत सारे दी थी। ओके, इनका जो फ्रेंडशिप था वो चंदा साहिब से था, जो कि नवाब ऑफ कर्नाटक थे, जिसको आज के टाइम में कर्नाटक में कर्नाटका कहते हैं। ओके, और इसके बारे में डिटेल जानना हो तो पढ़ सकते हो। चलो, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जो कि कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कोकोनट इंडस्ट्री। तो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, कोकोनट इंडस्ट्री के लिए। अब खास बात क्या है कि रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है कि कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने लॉन्च किया हेलो नारियल। ओके, फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर। ओके, इसमें क्या हुआ कि फैसिलिटी टू हेल्प फार्मर्स विथ कोकोनट हार्वेस्टिंग एंड प्लांट मैनेजमेंट ऑपरेशन। क्या शुरू किया है? हेलो नारियल, बेसिकली फार्मर्स के लिए, ताकि उन्हें उपजाने में और सहायता मिल सके। ओके, हेलो नारियल नाम अच्छा रखा गया। ये देखो। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। नीचे कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। पहला बात तो ये याद रखना, ये स्टेटरी बॉडी है। दूसरा, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है मिनिस्ट्री ऑफ, कहाँ लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स एंड वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट के अंडर आता है, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स की कोची, जो कि केरला में। ओके, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट इंडस्ट्री, इसके लिए बेसिकली ये ज़्यादा काम कर रही है डेवलपमेंट। ओके, खास बात यह है कि इंसेंटिव प्राइसेस जो है ये कोकोनट में देती है, अगर आप कुछ डिफरेंट जो है वो तरीका बताएंगे। ओके, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, इस न्यूज़ को द हिंदू ने कवर किया था। आजकल मैं टाइप करते करते भूल जाता हूँ कि सोर्स भी डालना, द हिंदू का न्यूज़ था ये। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा ल्यूनाइट मेटियो शावर इस एसोसिएटेड विथ विच सेलेस्टियल इवेंट, सोलर लूनर
कॉमेट डेब्रिस या प्लैनेटरी अलाइनमेंट। तो सर जो करेक्ट आंसर है वो है कॉमेट डेब्रिस। ओके, अब न्यूज़ में तो आ गई है तो अब हमें पढ़ना भी पड़ेगा इसे। तो चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं और न्यूज़ में क्यों है वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस न्यूज़ को जो है आपके बिजनेस स्टैंडर्ड ने कवर किया है। ओके, न्यूज़ में क्योंकि मैनी स्काई वॉचर्स जो हैं भारत के और ग्लोब के, उन्होंने कॉस्मिक ट्रीट को पॉइस्ट किया है। ओके, और जो लियोनाइड मेट्योर शावर है वो जब ऑलरेडी अंडरवे है। ओके, कब से? नवंबर 6 तारीख से। ओके, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो है अपना पीक कल और आज जो है 17 और 18 पे एकदम पीक पे रहेगा। ओके, तो अगर किसी को देखना हो तो डेफिनेटली देख सकते हो, आज लास्ट है, इसके बाद आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, ये अपने साथ जो है डस्ट और डेब्रिस को मतलब उसके साथ आ जाती है, लेकिन क्या होता है कि कॉमेट टेम्पल टटल को जो है ये अबेंडन कर देती है। ओके, ये देख लो कुछ इस टाइप से जो आपको देखने को मिलेगा एलिप्टिकल पाथ पे। ओके, और इसमें इम्पोर्टेंट यही है, जनरली ये आपको मिड नवंबर में हर साल देखने को मिलता है, हर साल की तरह इस साल भी ये दिखेगा। खास बात यह है कि द शावर इज कॉल्ड आफ्टर द लियो कॉन्स्टेलेशन। ओके, जो जहाँ से मैट्योर जो है वो अपियर होता है। और अगर टेम्पल टर्टल कॉमेट के बारे में बात कर लें तो ये जो है सन के चारों तरफ घूमता है और 33 साल के आसपास में टाइम जो है लगाता है। ओके, और इसमें कुछ खास होता नहीं है, बाकी आप एक बार रीडिंग मारना चाहो तो मार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ओके, ये एक जॉइंट मिलिट्री जो है वो एक्सरसाइज है, और इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या निकल के आ रही है वो देख लेते हैं थोड़ा। ये होता कहाँ है? तो इंडिया और श्रीलंका के साथ, ये खास बात है। अब बात करें कि न्यूज़ में क्यों निकल के आई है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और न्यूज़ में निकल के आने का जो रीज़न है वो ये है क्योंकि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ओके, इसका नाम है मित्र शक्ति 2023, जो कि 16 नवंबर से शुरू हो गया है, 29 तक चलेगा। कहाँ पे? तो पुणे में जो औंध जगह है वहाँ पे ये चल रहा है। ओके, और इस न्यूज़ को जो है PIB ने कवर किया है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये बताता हूँ। इंडिया श्रीलंकन आर्मी का तो जॉइंट वेंचर है ही, साथ में जो है वो मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है इसको लीड कर रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट। ओके, और देखते हैं क्या क्या खास चीज निकल के आ रही है। और देखा जाए तो ये पहला बाइलेटरल एंड बाई सरफेस एक्सरसाइज है दो कंट्री के बीच में। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसमें है और फर्स्ट है, ये याद रखना। और इसमें कुछ खास, यूएन जो है इस पर खास निगरानी रखती है, जब पीस मेकिंग सिंटम्स रहते हैं तो यूएन का खास ध्यान रहता है इस पर। ओके, बाकी एक बार आप रीडिंग मार लेना, जितना इन्फॉर्मेशन समझाने लायक था वो मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वो है अवनगढ़ इन द कॉन्टेस्ट ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। कहा जा रहा है ये साइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। ठीक है, अब न्यूज़ में क्यों है वो थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, उससे क्या होगा कि हम जो है और भी स्पेसिफिक हो पाएंगे। क्योंकि
किसी भी न्यूज़ सोर्स से भी न्यूज़ में क्यों रहती है वो जानना ही चाहिए। तो इस न्यूज़ को जो है वो राइटर्स ने कवर किया था। ओके, क्वेश्चन के ये भी घुमा के दे देगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अवनगढ़। तो उसमें भी होगा हाइपरसोनी जो है बूस्ट ग्लाइड व्हीकल। ओके चलो, न्यूज़ में क्यों है वो देख लेते हैं, क्योंकि रशिया का रॉकेट फोर्सेस जो है उसने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लोड किया है इक्विप विथ न्यूक्लियर कैपेबल अवनगढ़। ओके, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और इन टू ए लॉन्च सीलो इन साउदर्न रशियन टेरिटरी, साउदर्न रशियन टेरिटरी। ओके, तो भाई रशिया ने अपना साउदर्न रशियन टेरिटरी में जो है हाइपरसोनिक बूम ग्लाइड व्हीकल जो है वो मतलब लॉन्च मतलब लोड कर दिया है। अब मतलब तो पता ही होगा क्यों किया होगा, तो ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। यही वो मिसाइल है, एक्यूरेसी लेवल 98% है, मतलब एक बार टारगेट लॉक कर दूं, टारगेट का बैंड बजना तय। ओके, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बस आपको बताते चलूँगा। अवनगढ़ जो है वो इट इज़ अ न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक बूस्ट व्हीकल और इसे रशियन फेडरेशन ने ही बनाया है। ओके, दूसरी बात यह है कि ये छों में से एक ऐसा है जो कि एक तो एकदम मतलब डिफरेंट होगा, देखा जाए तो छों में सबसे ज़्यादा डिफरेंट होगा। रशिया की बात है तो 2014 2018 में जो है ये रशिया के पास आई थिंक फुलफिल्ड हो चुका था। ओके, रशियन आर्मी के पास एयरफोर्स कह लो 6,000 किलोमीटर तक का इसका रेंज है और 2,000 किलो का अप्रॉक्सीमेटली वजन है इसका। ओके, और कुछ इसमें बताने लायक तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा, बाकी आपको अगर चाहो तो एक्सप्लेनेशन आप लोग पीडीएफ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वो है हमारा वास्प 10B से। ओके, और इस न्यूज़ को जो है वो कवर किया है TOI ने, कह रहा है कि वास्प 2107B एक न्यूली डिस्कवर्ड एक्सो प्लैनेट है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, न्यूली डिस्कवर्ड एक्सो प्लैनेट ही है। ओके, और बात करें कि नासा जेम्स वेब टेलीस्कोप ने रिसेंटली डिस्कवर किया है एक एक्सो प्लैनेट को और जिसका नाम रखा गया वास्प 10 7B, और करीब करीब ये इतना बड़ा है कि जुपिटर के साइज का है ये। ओके, और कुछ देख लो इसमें बताने लायक है, एक बार आप एक्सपेंशन देखते हुए चलो। सोचो कितना बड़ा साइज का होगा, देखने में कितना छोटा लग रहा है। और देखा जाए तो अच्छा, हमेशा एक सुनते हो वर्ड ना एक्सो प्लैनेट, तो एक्सो प्लैनेट क्या होता है? कहा जाता है जिसका डिग्री जो है 900 टेम्परेचर के आसपास। सही, ठीक है, तो मैं ऐसे रिकमेंड करूँगा कि PTMS में से किसी एक आर्टिकल में तो इसे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप एक बार इसके ऊपर अच्छे से डिटेल कर लेना। जो इम्पोर्टेंट था वैसे मैंने बता दिया आपको, और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लेना अच्छी बात होगी। चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि हमारा सिकल सेल डिजीज, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो प्राइमरी इफेक्ट करता है आपका रेड ब्लड सेल्स को। ओके, अब न्यूज़ में क्यों है वो थोड़ा देख लें।
यूनाइटेड किंगडम जो ड्रग रेगुलेटर रिसेंटली अप्रूव किया उसने वर्ल्ड फर्स्ट जीन थेरेपी ट्रीटमेंट फॉर सिकल सेल डिजीज एंड थलासमिया। ओके इसीलिए न्यूज़ में आई है क्योंकि अंग्रेज ने जो है वो पहला जीन थेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो कही है अप्रूवल दे दिया, तो ये बड़ी बात है। अगर अच्छी हो तो देखो सिकल सेल डिजीज में होता क्या है, देख लो इमेज देख लो पहले, उसके बाद बात करते हो। ये देख लो ये जो है आपका ना पूरा खत्म है। चलो सिकल सेल डिजीज में होता क्या है, ये एक ब्लड डिसऑर्डर होता है इसमें। ओके और इसमें क्या होगा कि होमोग्लोबिन जो है फ्लॉइड हो जाएगी, और कुछ बताने लायक है? हाँ ब्लड फ्लो को ये इफेक्ट कैसे करता है एक्चुअली से, जो देखो आरबीसी के देखो तो एक डिस्क शेप्ड होता है क्या, और फ्लेक्सिबल और मूव भी करता है। तो क्या होता है ब्लड वेसल के थ्रू जो है आरबीसी तक पहुंच जाता है, उसके बाद फिर उसी को मारने लगता है। और क्या रीजन है इसके ऐसे होने के, तो पहला तो है जो है वो है डिफेक्टिव जीन जिसको सिकल सेल जीन भी कहा जाता है। सिम्टम्स में क्या होती है, अर्ली स्टेज में देख लो तो टायर्डनेस सबसे ज़्यादा रहेगा, और लेटर स्टेज में देख लो तो एनेमिया ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े दो। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो निकल के आया है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिसोर्स टीम सर्ट इन, ओके रिस्पॉन्डिंग टू एंड मिटिगेटिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स पढ़ते जा रहे हैं ना, उसी के लिए जो है वो न्यूज़ निकल के आई है। ओके चलिए तो न्यूज़ पे देख लेते हैं कि क्यों न्यूज़ में है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है इंडियन साइबर सिक्योरिटी वॉच डॉग सर्ट इन रिसेंटली फाउंड मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज इन द पॉपुलर गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैन बी बाईपास सिक्योरिटी ऑन द टारगेट सिस्टम। मतलब ये लोग क्या है सिक्योरिटी को सिक्योरिटी के जो है इस लोगों ने टाइट करने की बात की, लेकिन होता क्या है कि साइबर फ्रॉड्स जो है इंडिया में क्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अभी टॉप पे चल रहा है, स्पेशली जो लिविंग कंट्रीज हैं वो लोग का क्या होता होगा। चलो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव देख ले बस, सिक्योरिंग हिडन साइबर स्पेस, साइबर स्पेस को थोड़ा हाइड रखिए। दूसरा साइबर क्राइम अटैक्स को प्रिवेंट करना, ये सब गो थ्रू करने पे ना बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ओके चलो तब एक बार देख लेते हैं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो शायद आज का आपका जादू हो जाए और लास्ट क्वेश्चन निकल के आ जाए। सर्ट के बारे में इतना लिखा हुआ है, एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना। अब आते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो है आर्गो लैंड्स के ऊपर। ओके और इस न्यूज़ को जो है बिजनेस इनसाइडर ने कवर किया है, कह रहा है ये रीजन नोन फॉर एग्रीकल्चर डिस्कवरीज के लिए जाना जाता है। ओके अब ये है क्या जो लोवेस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड आर्गो लैंड लैंड मैस विथ दैट डिटैच फ्रॉम मॉडर्न डे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और करीब 155 साल पहले। देखो इमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, ये देख लो
ओके चलिए तो देख लेते न्यूज़ को, क्यों इम्पोर्टेंट है। और इसे लॉस्ट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। खास बात यह है ये नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से कटा था। ओके और एक बात याद रखना कि टेक्टोनिक फोर्सेस को इसे डिसेंट्रिटिगेटेड कर दिया। ओके और जिसकी वजह से क्या हुआ कि लैंड मास जो है टुकड़ों में बट गई, और उसके बाद ही अभी फाइंड आउट हुआ। सोचो कितने साल पुराना का ये इंसिडेंट है, कितना स्लोली स्लोली प्रोसेस ये लिया होगा। ओके आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, एक बार आप इसे गो थ्रू कर लेना। ओके तो ये था आज का आखिरी न्यूज़। आई होप यू गाइज आर इन्जॉइंग द वीडियो लेक्चर्स, प्लस हमारा रील भी आ ही रहा है डेली, तो आप उसे भी देखिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।